हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू आवर चैनल। आज हम गोभी की सब्जी बनाने जा रहे हैं। तो आज मेरे घर में गोभी की सब्जी बन रही है। मैं सोची चलिए वीडियो बना लेती हूँ गोभी का। विंटर सीजन शुरू हो गया है और गोभी भी आने लगा है, और पहला गोभी मेरे घर का और मेरे घर में आया हुआ पहला गोभी सीजन का, विंटर सीजन का। तो चलिए यहाँ पे हम, यहाँ पहले से कढ़ाई में ऑयल है क्योंकि इसमें कुछ बना रही थी तो इसमें ऑयल बचा था, तो मैं इसमें कर रही हूँ और इस गैस ऑन कर ली हूँ। दोस्तों चलिए इसमें नमक हाफ चम्मच डाल देते हैं ताकि गोभी हमारा जल्दी से पानी छोड़ दे। दोस्तों बुरा मत मानिए, क्योंकि सबके घर में भी ऐसे होता है, कढ़ाई में कुछ तल लो या कुछ करो ऑयल थोड़ा बच जाता है, तो उसी ऑयल से मैं बना रही हूँ इस, ठीक है, और कुछ नहीं है। दोस्तों चलिए इसमें हम गोभी डाल देते हैं। चलिए गोभी डाल दी हूँ, इसको हम थोड़ा ऑयल में तल लेंगे। और आलू को तो कैसे तलना है ये सबको पता है, गोभी को भी कैसे तलना है सब लोगों को पता है। गोभी थोड़ा सा हमें यहाँ पे कर देंगे और मिलते हैं गोभी आलू तलने के बाद। अगर दोनों तलने में चली जाऊँगी या मतलब दिखाने के लिए जाऊँगी तो वीडियो बहुत लंबा चल जाएगा, तो मिलते हैं आलू गोभी तलने के बाद। दोस्तों चलिए हमारा ये आलू और गोभी में इसको फ्राई कर रही हूँ ऑयल में, कच्चा थोड़ा रखे हूँ ताकि ज़्यादा नहीं रखे हूँ। चलिए हम इसमें और थोड़ा सा ऑयल डाल देते हैं, 2-3 चम्मच। और इसी के साथ हम ऑयल के साथ ये खड़े मसाला जो थोड़ा सा मैं क्रश करके ली हूँ इसको भी मिला देते हैं ताकि इसका फ्लेवर गर्म होने के साथ थोड़ा थोड़ा करके निकल जाए। थोड़ी सी हींग भी डाल देते हैं। इसी के साथ हम इसमें 1 चम्मच चीनी डाल देते हैं। दोस्तों यहाँ पे मैं ये जो मसाला ली हूँ मिक्स मतलब पेस्ट बना के, इसमें अदरक लहसुन प्याज और थोड़ी सी काजू डाल के इसका पेस्ट बना ली हूँ। चलिए दोस्तों मसाला डाल देते हैं। दोस्तों आपको देख के ये हैरान हो रहा है कि इतना सारा मसाला मैं बना रही हूँ, क्योंकि मेरे को और थोड़ा सा और कुछ सब्जी बनाना है, तो ये मैं मसाला भून के इससे भूनने के बाद इससे निकाल लूँगी। दोस्तों यहाँ पे ये 2 चम्मच से थोड़ा ज़्यादा नमक है, इसको भी हम डाल देते हैं ताकि मसाला जल्दी से पानी छोड़े और भून जाए अच्छे से। और भूनने के बाद मिलते हैं, उसके बाद हम इसमें मसाला वगैरह डालेंगे। दोस्तों चले इसमें हम हल्दी पाउडर और लाल मिर्च पाउडर डाल देते हैं और इसको भी मिला लेते हैं। आप लोगों को लग रहा होगा इसमें ऑयल नहीं है, तो ये अच्छे से जब भून जाएगा तब इसमें ऑयल रिड्यूस होगा, तब आपको दिखेगा इसमें कितना ऑयल है। और गोभी आलू को भी हम फ्राई किए हैं तो उसमें भी ऑयल है। तो चलिए बाकी मसाला भी डाल देते हैं एक एक करके। दोस्तों ये धनिया पाउडर 1.5 चम्मच और जीरा पाउडर 1 चम्मच इसको भी डाल देते हैं। और इसी के साथ हम थोड़ा सा पानी दे देते हैं क्योंकि थोड़ा मसाला हमारा कढ़ाई में लगने लगा है। इसको अच्छे से मिला लेते हैं। इसको भी हम थोड़ी देर भूनते हैं। चलिए अभी इसमें हम गरम मसाला डाल देते हैं और इसको भी मिला लेते हैं थोड़ी देर, और थोड़ा सा पानी दे देते हैं ताकि अच्छे से मसाला हमारा भुने और बॉईल हो जाए अच्छे से, कच्चा पानी इसका निकल जाए। दोस्तों चलिए इसमें हम चिकन मसाला पाउडर डाल देते हैं। आपके पास अगर वेजिटेबल मसाला पाउडर है तो आप डाल दीजिए। इसी के साथ यहाँ पे 2 छोटे टमाटर लो वो डाल देंगे और इसको अच्छे से फिर भून लेंगे हम। दोस्तों मसाला हमारा टमाटर गल गया है, चलिए यहाँ पे हम गोभी और आलू डाल देते हैं और इसको भी थोड़ी देर हम मसाले में भूनेंगे।
एकदम हल्के हाथों से, नहीं तो गोभी हमारा वो टूट जाएगा और ये अच्छा नहीं लगेगा। तो इसी के साथ हम इसको थोड़ी देर ढक के पकने के लिए छोड़ देंगे और तब तक हम सारा चीज़ें समेट लेते हैं जो कि यहाँ पे भसड़ मची हुई है, क्योंकि वीडियो बनाने के लिए बहुत मेहनत करना पड़ता है और बहुत चीज़ें इधर उधर होती है, एकदम किचन का एकदम हालत बहुत बुरा हो जाता है। तो इसको थोड़ी देर हम धीमी आँच में फ्लेम कम कर देते हैं, छोड़ देते हैं भुनने के लिए और इसको झटपट से साफ़ कर लेते हैं, उसके बाद हम मिलते हैं। दोस्तों चलिए ढक्कन हटाते हैं और गोभी हमारा कुछ इस तरह का दिख रहा है, एकदम हल्के हाथों से इसको मिलाएंगे एकदम प्यार से, नहीं तो ये सब बिखर जाएगा, इसका कली कली अलग हो जाएगा, एकदम इसका भुट्टा बन जाएगा। तो फ्लेम को हम थोड़ा हाई कर देंगे मीडियम से और यहाँ पे दोस्तों मैं थोड़ा सा क्रीम मिला रही हूँ, अगर आपके पास है तो आप क्रीम ही मिलाइए, नहीं तो सिर्फ काजू का पेस्ट ही डाल दीजिए, कोई बात नहीं। और इसको भी थोड़ा हम मिला लेते हैं गोभी के साथ, एकदम देखिए। आप लोग अगर हो सके तो इस तरह का इसका सूखी सब्जी बना के खाइए, नहीं तो जो अगर चावल में खाना है थोड़ा इसका ग्रेवी बना लीजिए। उसमें पास से आपको दिखाती हूँ, देखिए दोस्तों कुछ इस तरह दिख रहा है। और एक बात दोस्तों मैं बोलने के बोलना चाहता हूँ, देखिए दोस्तों वो लोग जो भी वीडियो बनाते हैं उनका सब्जी वगैरह एकदम लाल और एकदम अच्छा रेस्टोरेंट सारी दिखता है, इसलिए फिर वो कश्मीरी रेड चिली वगैरह ये सब यूज़ करते हैं। हाँ मैं सिर्फ नॉर्मल मिर्च पाउडर मिलाती हूँ, मेरे पास इतना काम धंधा नहीं है, वो जब भी होता है मैं तब मिलाती हूँ, नहीं तो मेरा ये सब्जी वगैरह ऐसे ही मैं बनाती हूँ, चाहे कलर दिखे या ना दिखे मगर टेस्टी बहुत बनता है। तो दोस्तों यहाँ पे आलू और गोभी हमारा बहुत मतलब पहले से ऑयल में थोड़ा फ्राई हुआ है और पका हुआ है, तो हम क्या करेंगे बस सब्जी को देख के पानी दे देंगे। अगर आप लोगों को ग्रेवी ठीक रखना चाहिए तो आप इसको कम कर लीजिए। थोड़ा आलू को चेक कर लेते हैं, आलू थोड़ा और पकेगा तो मैं और थोड़ी सी पानी दे देती हूँ, बस इतना। और इसको कढ़ाई के थोड़ा सीधा कर लेते हैं, चलिए और थोड़ा सा इसको मिला लेते हैं। और इसको ढक्कन लगा के पकने के लिए छोड़ देते हैं, साइड में हम हमारा काम करते हैं। और दोस्तों अगर सब्ज़ी हमारा आपको पसंद है तो प्लीज़ ज़रूर से लाइक करिए, शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए, बेल आइकन को जरूर से हिट करिए और ये रेसिपी को घर में बना के ज़रूर ट्राई करिए। मिलते हैं जल्दी सब्ज़ी होने के बाद मतलब बनने के बाद, तब तक के लिए साथ हमारे साथ जुड़े रहिए। हम चेक कर लेते हैं हमारा ये करी हमारा बन गया है और हम इतना ही ग्रेवी रखेंगे, तो ठंडा होने के बाद हम इसको गार्निश करेंगे थोड़ी देर बाद, तो मिलते हैं और थोड़ी बाद देर बाद इसको थोड़ी देर ठंडा होने के बाद। गैस ऑफ कर लेते हैं, गोभी करी है, गोभी की सब्ज़ी हमारा थोड़ा बहुत ठंडा हो गया है और ये कुछ हमारा इस तरह का दिख रहा है जो कि हम लोगों को मैं पास से दिखा रही हूँ, फोकस नहीं हो रहा है।
चलिए इसको हम थोड़ा निकाल लेते हैं प्लेट में। प्लेट में यार दोस्तों मैं यहाँ पे करी निकाल ली हूँ और ये कुछ हमारा फाइनल ऐसे दिख रहा है, मतलब प्लेट में निकाल चुकी हूँ। अगर आप लोगों को ये करी पसंद आए तो प्लीज़ जरूर से लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। अगर नहीं भी अच्छा लगे तो प्लीज़ कमेंट करिए। और दोस्तों बार बार बोल रही हूँ, मैं कश्मीरी रेड चिली पाउडर यूज़ नहीं किया हूँ, तो मेरा करी जिस नेचुरल कलर है, जो मिर्च वाला कलर है वही है। तो मिलते हैं बहुत जल्द अगले वीडियो में, तब तक के लिए चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें।